हेलो एवरीवन, वेलकम टू पे केमिस्ट्री। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो अरिन। ठीक है, तो इसका हम क्या करने वाले, डिटेल मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि कैसे पॉसिबल है और कैसे हो पा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लास्ट में हमने जो प्रिपरेशन के टाइम पे किया भी था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आपको बताया था मैंने कि मैकेनिज्म बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पहले समझते हैं। देखो, हमारा कोई हेलो अरिन में पढ़ने वाले ना, तो हम एक ले लेते हैं हेलो अरिन। ये ले लिया हमने हेलो अरिन, इसके पास है लोन पेयर। कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और मैंने आपको बोला कहाँ कहाँ पे जा सकता है ये, या तो ऑर्थो पोजिशन पे जा सकता है या पैरा पोजिशन पे जा सकता है। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा या फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जाएगा। ये दो पॉसिबल है, ये बोलते हैं ऑर्थो, ये हो गया आपका पैरा डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर आप बोलो सर लास्ट टाइम आपने जब यहाँ पे CH3 था सिर्फ ऑर्थो बोला था, तो वहां पे ऑर्थो इसलिए बोला था क्योंकि वहां इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा था, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं। तो ये है हमारा बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करना है। एक तो आपके ये हेलोरिन रहेगा और आपको यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाएगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो क्यों जाएगा वो देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल जनरल रिएक्शन है। चलो हम स्टेप वाइज करके देखते हैं। पहले ये जो आपका रिएक्शन होता है वो होता है 3 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपको एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है पहले। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अब कैसे जनरेट कराओगे, तो आपके लिए उसके लिए क्या मिक्सर दिया हुआ रहेगा ना। तो सपोज कर लो कि अभी हमने क्या लिखा था लास्ट टाइम, Cl2 और FeCl3 लिखा था ना, इससे मैंने बनाया था क्या Cl+ और यहां से मिलेगा FeCl4-। ये आपका जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट हो गया। अब बोलो सर ऐसा कैसे डायरेक्ट कर गया, तो मैं इसका भी मैकेनिज्म बताता हूँ। जैसे क्लोरीन आपका क्या है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास ये सेम लोन पेयर है। ये मैंने बताया था आपको लेविस एसिड है, लेविस एसिड को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी देगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको क्या आ जाएगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा Cl, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब डेल्टा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे FeCl3 पे माइनस, डेल्टा माइनस आ जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है, ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये इसके साथ पूरी तरह से बॉन्ड बना लेता है, जहां से आपको मिलता है Cl+ और FeCl4-। तो जनरेट हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये तो चाहिए था हमको इलेक्ट्रोफाइल, कैसे जनरेट हो गया था आराम है ना। बेसिकली क्या है, बहुत इजी है, Cl-Cl बॉन्ड जनरली क्लीव नहीं होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। हमने क्या किया, कुछ ऐसा किया जिसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए। कैसे, क्या किया हमने, इसके इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करवा दिया, इसमें प्लस चार्ज आ गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो अभी इसको दिया है, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते क्योंकि जस्ट अभी दिया है। तो ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट करता है, ये पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसमें प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलो ये हो गया आपका। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन केटायन इंटरमीडिएट। आप इस स्टेप को ये भी बोल सकते हैं और अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिएक्टेंट, ये भी बोल सकते हो, होता है दोनों काम है। ठीक है, अब चलो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है वो देखते हैं। वी हैव रिएक्टेंट दिस, ये हमारे पास रिएक्टेंट, इसके पास है लोन पेयर। अब क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा है दिस,
इसको करना है यहाँ पे अटैक, ठीक है। तो कैसे अटैक करेगा, डायरेक्ट तो अटैक कर नहीं सकता। अब मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, हाई टू लो, तो यहाँ से एरो इधर लेके जाना है, तो डायरेक्ट नहीं लेके जाएंगे। तो क्या करना है, हमने पढ़ा है कि ये रेजोनेंस करता है, यहाँ देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे माइनस चार्ज लाता है, और फिर ये माइनस चार्ज अटैक करेगा, तो मैं डायरेक्ट करवा सकता हूँ इस बॉन्ड को यहाँ पे, ये क्या क्या यहाँ अटैक किया, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्स प्लस दिस दिस एंड आपको मिल गया इलेक्ट्रॉन फाइव, ठीक है। अब ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे एक एच है, अभी एक एच है, एच को हमने कुछ नहीं किया है, दैट मीन्स यहाँ एक एच है। अब देखो ये पॉसिबिलिटी है, ये तो ऑर्थो पे पॉसिबल हो गया, पैरा पे कैसे अटैक करेगा, तो सेम कंपाउंड को लेते हैं हम, ये आपका कंपाउंड, ठीक है। तो अगर मैंने एक्स लिखा है, ये आपका, ठीक है, ये लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर आके यहाँ रहा, अभी क्या होता था, यहाँ माइनस आता था और ये माइनस यहाँ जाता था, फिर ये यहाँ के माइनस बनाता था, ये तो था ना हमारा मैकेनिज्म जो हमने देखा था इसका, जब नेचर ऑफ सी एफ बॉन्ड में, अगर आपने नहीं देखा तो लाइक भी हो जाए, देखो नेचर ऑफ सी एफ बॉन्ड करके वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि माइनस कैसे आ रहा है, तो माइनस यहाँ आता था यहाँ आता था। तो अभी हमने क्या किया, इस बॉन्ड को यहाँ रेजोनेंस करवा दिया, ठीक है, और इस बॉन्ड को यहाँ पे माइनस बना दिया, मतलब पैरा पोजिशन पे माइनस आ गया, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ आएगा, अगर हम ऐसा हुआ करें कि ये माइनस यहाँ आ रहा है, माइनस ना बना करके, मतलब अटैक तो यहीं से होगा ना, माइनस यहाँ आएगा तो अटैक यहाँ से होगा यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट अटैक करवा देते हैं इसका इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी बनना बनने की, ये डबल बॉन्ड एक्स, ठीक है। अभी देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो गया है, और ये यहाँ भी एच रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, बेसिकली कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे अगर आप कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, एक सेकेंड, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पर बोलो डायरेक्ट ये लिखो, क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन बन नहीं रहा है, बन प्लस चार्ज आ रहा है बट हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है, इसलिए हम इसको कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, यहाँ भी आ गया प्लस, तो हमने देख लिया ऑर्थो पे अटैक कर सकता है और पैरा पे भी अटैक कर सकता है। ऑर्थो पे अटैक डायरेक्ट से करता है और पैरा पे अटैक करने के लिए एक बार ये रेजोनेंस करता है, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, मतलब एक लोन पे यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आता है, और यहाँ ये यहाँ जो इसको हम क्या करते हैं माइनस लाते थे, माइनस ना बना करके हमने डायरेक्ट अटैक करवा दिया, तो ये आ गया आपका। चलो ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा रिमूवल ऑफ एच प्लस। स्टेप थ्री जो है वो है रिमूवल ऑफ एच प्लस और डी प्रोटेक्शन जो बोलते हैं इसको, सॉरी डी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब एच प्लस को ऐड करना और डी प्रोटोनेशन मतलब एच प्लस को एलिमिनेट करना, निकालना। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, हमें जो मिला था वो क्या मिला था, ये है X प्लस, यहाँ था इलेक्ट्रोफाइल और H था यहाँ पे, और उसके बाद क्या था, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था, और अगर पैरा वाला देखेंगे तो क्या मिला था हमको, यहाँ H और यहाँ था आपका इलेक्ट्रोफाइल और डबल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड प्लस, ये था। अब हमको इस H को यहाँ से निकालना है, तो H को निकालने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई हमको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, माइनस वाला पार्ट चाहिए, तभी तो यहाँ से H प्लस लेके जाएगा। तो हमने FeCl फोर माइनस बना के रखा है ना, FeCl फोर हमको मिला है जब हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से H ले गया, ठीक है। अब ये कहा यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा, मतलब तो ये H प्लस निकाल रहे थे, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा माइनस, ये माइनस फिर वहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा वापस से यहाँ डबल बॉन्ड, ये X और इलेक्ट्रोफाइल आके होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। चलो अब फिर ये सेम काम यहाँ करना है, यहाँ से H लेगा, फिर ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ ये अगर H लेगा तो सपोज करो ऐसा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस आ गया, क्योंकि H प्लस चला गया, तो फिर ये H प्लस क्या करता है, यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, फिर ये यहाँ जाएगा और ये वापस उठ जाएगा। तो मैं इतना ना करके डायरेक्ट करता हूँ,
ये हमारा क्या हो गया एच आया, ये यहाँ पे फाइव बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ आ गया, तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा। दोबारा आपको क्या मिलेगा एक्स, और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ गया, तो ये आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो बेसिकली आपका यहाँ पे थ्री स्टेप ही होगा, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है। तो ये आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड का मैकेनिज्म था। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, सिर्फ आपको किसी तरह से भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है, एनओ टू प्लस हो सकता है, एसओ थ्री हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर प्लस हो सकता है, किसी भी तरह से आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है और उसके बाद सेम मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो हम लोग यहाँ पे आगे जो वीडियो करने वाले उसमें चार पांच रिएक्शन पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, उसमें सेम मैकेनिज्म सब में फॉलो करना है आपको, एनी हाउ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेना है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद सब प्रोडक्ट आपका सेम मिलेगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं, ये हो गया आपका ओवरऑल हमारा मैकेनिज्म। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्री स्टेप में होता है, आपके एग्जाम में आते भी बोर्ड एग्जाम में कि राइट डाउन द राइट डाउन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद डिटेल मैकेनिज्म। तो डिटेल मैकेनिज्म आपको ये थ्री करना है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, इंटर अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का, कहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है उस पे। अब थर्ड स्टेप में आपको डी प्रोटेक्शन करवाना है। डी प्रोटेक्शन क्यों करवाना है, ताकि ये फिर से वापस एरोमेटिक बन जाए। ये एरोमेटिसिटी इसका डिस्टर्ब हो गया था, मतलब इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, कॉन्जुगेटेड वो नहीं थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया था, ये एरोमेटिसिटी इसका डिस्टर्ब हो गया था। और इसने क्या किया, फिर से अपना एरोमेटिक ऐसा बेंजीन रिंग बनने के लिए उसने एच प्लस को निकाल दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं डी प्रोटेक्शन या रिमूवल ऑफ एच प्लस, जो कि आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है। चलो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया, मैंने वो डिटेल में रीड कर दिया आपका, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, 3 marks के लिए आपका आएगा, 3 marks के लिए। तो आप ये करोगे, अब देखते हैं इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है इसको, ठीक है। अब उसका भी मैकेनिज्म देखेंगे हम, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे। हमारा जो ये कंपाउंड है हेलो अरिल, ये हमारा हेलो अरिल है, ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो रिएक्शन करेगा और आपको कंपाउंड मिलेगा ये Nu प्लस एक्स माइनस। अब बोलो सर, अभी तो आपने बोला था लास्ट वीडियो में कि एक्स को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। हाँ, तो अभी भी बोल रहा हूँ नहीं है पॉसिबल, बट हम पॉसिबल बनाते हैं। कैसे पॉसिबल बनाते हैं, पहले तो देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देना है। कैसे करना है कम, कोई भी ऐसा ग्रुप लगाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को वहां से पुल करे, माइनस आर से इलेक्ट्रॉन ले, माइनस आर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ना, आर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसके केस में बताया था जब ये रिएक्शन करेगा हैलोजन के थ्रू तो आई ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, वो डिफरेंट थिंग है। बट हम जो दूसरा ग्रुप लगाने वाले हैं उसका हम देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए। तो हमें सपोज कर लो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं उसमें हम मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, एनओ टू लगाया। एनओ टू क्या होता है स्ट्रक्चर, ये होता है एनओ टू का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्या है, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, सॉरी इसको ऑर्थो पे नहीं, सॉरी मेटा पे नहीं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगाना है आपको। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका कहां ज्यादा हो रहा था, इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे ना, हमने देखा था मैकेनिज्म में कि ये देता था इलेक्ट्रॉन तो ऑर्थो पे माइनस आया था और पैरा पे माइनस आया था। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां लगाना होगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे लगा सकते हैं। तो हमने अभी ऑर्थो से देखना है, फिर आपको पैरा से दिखाऊंगा। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या करता है, यहां माइनस आया ज्यादा कर देता है। तो अभी इसने क्या किया, इसके वजह से तो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां हाई हो रहा है। अब ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है अपनी तरफ रेजोनेंस के थ्रू। तो आपको यहां मिलता है कुछ ऐसा, यहां डबल बॉन्ड एन
प्लस ओ माइनस और यहाँ भी ओ माइनस, यहाँ एक्स एंड देन दिस, यहाँ पे आपका चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल तो सॉरी न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ आसपास घूम ही रहा था, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं अटैक कर रहा था, उसको इंतजार था कि किसी तरह से यहाँ प्लस चार्ज, ये वेट कर रहा था किसी तरह से प्लस चार्ज जनरेट हो जाए, तो इस ग्रुप ने यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट कर दिया। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ इसके सॉल्यूशन में था वो आएगा और यहाँ कैसे दिखाऊं, किसी भी डायरेक्शन से कर लो, यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। चल ये कर लिया यहाँ पे अटैक, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा डबल वन डबल वन, ये तो इसको हमने कुछ नहीं किया है, ये एज इट इज रहेगा अभी, माइनस प्लस ये एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स तो था ही, आके निकलो फाइल भी ऐड हो गया। अब हमको किसी तरह से एक्स को निकालना है, एक्स को निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो बॉन्ड है वापस यहाँ लाएंगे, तो इसके वजह से यहाँ पे अभी कार्बन का चार बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ अगर पाई आ जाएगा तो पांचवा बॉन्ड बनने वाला होगा, फिफ्थ बॉन्ड बनने वाला होगा, तो फिफ्थ बॉन्ड की वजह से एक ग्रुप को निकलना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल तो अभी भी आया, तो ये तो जाएगा नहीं, तो निकलना किसको होगा, लिविंग ग्रुप कौन है हमारा, हैलोजन, अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना जैसे रेजोनेंस किया था, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देगा और ये ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा वहां से, फाइनली आपको मिलेगा यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये आपका एनयू निकल, मतलब एक्स निकल गया, एनयू बच गया, और ये हो गया एनओ, देखो न्यूक्लियोफाइल हमने सब्स्टिट्यूट करवा दिया, पर कहाँ करवाए, जहाँ हैलोजन था वहीं करवाएंगे, इसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं इप्सो, मतलब जहाँ लिविंग ग्रुप निकला वहीं पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखोगे, इप्सो सब्स्टिट्यूशन हुआ है। हाँ, एक और पॉइंट आपको यहाँ याद रखने की जरूरत है, बोले ये किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, पहले देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बोला था एडिशन एलिमिनेशन या एलिमिनेशन एडिशन, दोनों काम यहाँ पे होता है, ऐड भी होता है एलिमिनेट भी होता है, मतलब कुछ ऐड आता है कुछ ग्रुप बाहर भी जाता है, कुछ आता है कुछ जाता है, ऐसा होता था ना। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये किस टाइप का हुआ, पहले यहाँ पे देखो क्या हुआ, एडिशन एलिमिनेशन हुआ है कि एलिमिनेशन एडिशन हुआ है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले ऐड हुआ है न्यूक्लियोफाइल, पहले आके ऐड हुआ है तब जाके एक्स निकला है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कौन से टाइप का है, वो है, चलो आप यहाँ पे इतना कर लो पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपके जो है क्वेश्चन नीट और जेई में बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपको एक रिएक्शन दे देगा या सिंपली पूछेगा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप करवाते हो हैलोरिन में वो कौन से टाइप का है, चार ऑप्शन रहेगा, एडिशन एलिमिनेशन एलिमिनेशन एडिशन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी एक एडिशन या एलिमिनेशन कुछ भी दे सकता है, तो चार ऑप्शन रहेगा। आपको क्या देखना है कि मैकेनिज्म से ही आपको समझ में आ सकता है कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है, तो मैकेनिज्म आपको कंफर्म करता है कि पहले ऐड हुआ था तब ये एलिमिनेट हुआ था, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो है एलिमिनेशन सॉरी एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 4 मार्क्स इजिली दिला सकता है ये मैकेनिज्म के थ्रू, इसीलिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है आईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में तो कुछ कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, बट बोर्ड एग्जाम सॉरी जेई के और नीट के लिए आपको सारे मैकेनिज्म पढ़ने होते हैं डिटेल में, तभी आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है ना, अभी इसमें से पूछ दिया आप लोगों सर इसको हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन पूछा ना उसने, तो मैकेनिज्म अगर आपको पता है तो समझ में आएगा हाँ कहाँ से निकाला गया था, कहाँ मतलब पहले क्या हुआ था एडिशन या एलिमिनेशन, ठीक है। चलो तो मैकेनिज्म ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तो ओवरऑल हमने कर लिया, अब सेम प्रोसेस हम पैरा के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है नाइट्रो ग्रुप पैरा पे होगा तो सेम प्रोसेस हमको जाना है, तो देखो उसका भी कर देते हैं, सपोज कर लो ये एनओ टू हमारा कहाँ है पैरा पोजिशन पे, अभी माइनस प्लस एक्स, अब तक हमको इसके एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे, ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल, तो अभी डायरेक्ट तो न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, हमने लेके रखा है इसके आसपास घूम रहा है, तो इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम चाहिए, तो ये क्या करता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आता है रेजोनेंस करके, यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हो गया डबल बॉन्ड एन माइनस ओपन माइनस प्लस, ये डबल बॉन्ड यहाँ का डबल बॉन्ड कहाँ गया यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया,
अभी बन गया ये प्लस, प्लस सेंटर इसको लिखा ये एक्स, फिर क्या करेगा निकलो फाइव, यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा यहां से डबल वोट टेन ओ माइनस ओ माइनस, यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा आपको निकलियो फाइव और एक्स के बीच में बॉन्ड। फिर वही प्रोसेस हमको जाना है रेजोनेंस करना है वापस, तो ये यहाँ डबल वन बना लेगा, ये यहाँ डबल वन बनाएगा, ये यहाँ वापस डबल वन बना लेगा और ये एलोजन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। देखो कितने एरो, चार एरो के, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये क्या क्या रेजोनेंस इसके साथ किया, फिर ये रेजोनेंस इसके साथ किया, ये रेजोनेंस यहाँ कर गया और ये बाहर निकल गया। आपको सिर्फ ढूंढना है कि रेजोनेंस कहाँ होगा। देखो माइनस चार सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो ऐसा जब होता है तो रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का कंडीशन मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया तो इसने अपना पाई कोण यहाँ शिफ्ट किया, ये पाई कोण यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ से बाहर निकल गया, तो और आपको क्या मिल गया यहाँ पे, ये तो NO2 रहेगा आपका जैसा था वैसा हो गया और यहाँ पे आपका आ गया निकलियो फाइव। ठीक है, तो देखो पैरा पे आपका रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और मेटर ऑर्थो के लिए रेजोनेंस कम होता है, इसीलिए इस सब केस में अगर पैरा वाला सब्स्टिट्यूट ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड देता है, तो अगर पैरा के थ्रू होगा तो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, चलो तो ये आपका मैकेनिज्म है, यहाँ ध्यान से देखो ये ओ माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया फिर ये यहाँ चला गया फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये फाइनली एक्स बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब तो जहाँ से आया था वही भेजना है वापस हमको, कहाँ से आया था यहाँ से आया था और यहाँ ये इसका जो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था, ठीक है, सॉरी इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, वापस हमको वही करना है। अब इस ऑक्सीजन से भेजो या इस ऑक्सीजन से भेजो, दोनों सेम ही ना, कहीं से भेज सकते हैं, तो वापस जैसे ये था वैसे ही हमने बनाया, एक्स को निकाल दिया और एन यू वहीं पर रह गया। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पैरा पोजीशन के लिए। ठीक है, मैं उसको वहां जो था उसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, वो कंफ्यूजन ना हो। ये आपका एन था, यहाँ पे ओ माइनस था, यहाँ पे ओ माइनस था, यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ पे क्या था एन यू था और ये एक्स था, ऐसा था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये एक्स बाहर निकल गया, ऐसा हो रहा था। ठीक है, फाइनली आपको क्या मिल रहा था यहाँ पे, यहाँ तो एनो टू मिल गया आपको, ये गुण यहाँ, ये गुण यहाँ, ये गुण यहाँ और यहाँ पे निकल गया, ये वहाँ पे थोड़ा वो साफ नहीं था, मैंने इसको क्लियर लिख दिया। ठीक है, चलो अब इसमें थोड़ा नोट क्या करना है कि देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया तो रिएक्शन तो हो गया, अगर इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रुप आएंगे मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शॉर्ट में लिखा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ खींचने वाले ग्रुप, अपनी तरफ लेने वाले ग्रुप, पुल करने वाले ग्रुप। तो मोर इलेक्ट्रॉन, मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हायर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना जल्दी क्या कर सकता है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उतना फास्ट ही क्या होगा आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सपोज कर लो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, ये आपका एक्स तो रहेगा ही, ये एनओ टू है, दूसरा आपका एक्स एनओ टू है, एनओ टू है और थर्ड जो आपका एक्स एनओ टू, एनओ टू और ये एनओ टू है। अब ये वन टू थ्री, ये तीनों में से अगर बोलेगा कि आपको ऑर्डर बताओ कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम कौन होगा, तो मैं बोलूंगा थ्री टू वन, तो थ्री वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर टू वाला, फिर टू वन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, थ्री इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लो कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा न्यूक्लियर फाइल बहुत फास्ट अटैक कर सकता है और जितना फास्ट न्यूक्लियर फाइल अटैक करेगा उतना फास्ट ये रिएक्शन होगा, तो इसीलिए सबसे फास्ट होगा और इसमें एक है तो ये सबसे लो होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देख लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म देख लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा और उसके मैकेनिज्म देख लिया। ठीक है, और एक बात याद रखना, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो अगर हम नॉर्मल अल्काइल हैलाइड में करवाएंगे
जैसे अगर मैं नॉर्मल अल्काइल हैलाइड लेता हूँ, ये हो गया हमारा नॉर्मल अल्काइल हैलाइड। और कोई क्वेश्चन पूछ रहे कि इसमें कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो आप बोलोगे नहीं, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है एस एन वन नहीं होगा कि एस एन टू नहीं होगा, तो आप बोलोगे दोनों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस एन वन होने के लिए क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है, एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है देन एस पी थ्री, ठीक है। तो ये इतना पहले से तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम, मतलब कार्बन एस पी टू जब होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो बन नहीं सकता, तो ये एस एन वन नहीं कर सकता, तो एस एन टू क्यों नहीं कर सकता? एस एन टू में क्या होता है, बैक साइड से अटैक करना होता है, बैक साइड में देखो ये बड़ा सा ग्रुप बेंजीन रिंग, ठीक है, एक्स यहाँ है उसके बैक में बेंजीन रिंग बड़ा सा है, तो कैसे पीछे से अटैक करेगा? एस एन टू में बैक साइड अटैक होता है, तो जब बैक साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं है हिंड्रेंस की वजह से, बड़ा सा बल्कियर ग्रुप की वजह से, तो ना तो एस एन टू पॉसिबल है ना तो एस एन वन पॉसिबल है। इसीलिए अगर कोई पूछे कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलोगे दोनों पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में कभी कभी आपको नीट जेई टाइप क्वेश्चन एग्जाम में देता है क्वेश्चन, क्या कि विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन हेलोरिन, एस एन वन एस एन टू बोथ नन ऑफ दिस, आपका ऑप्शन क्या होगा, बोथ, दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है जो कि पॉसिबल ही नहीं है बनना, दूसरा होता है बैकसाइड अटैक के थ्रू, जो इसमें बैकसाइड अटैक भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं नीट और जेई के, और बोर्ड के तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तो मैंने एक मैकेनिज्म आपको जनरल बता दिया है, वहां पे सिर्फ मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दे दूंगा, उसके बाद मैकेनिज्म खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि बाकी के दो स्टेप सेम होंगे। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग होगा, लेकिन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और फिर आपका जो होता है डी प्रोटेक्शन, वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है, आपको खुद से करने हो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चार पांच हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने हैं, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।